नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल ये मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को सभी लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो रेगुलर व्यू दे रहा था देता हूँ और उसका थ्रू मैं आप लोगों को ऑप्शन चेन और बहुत सारा एडुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए इसको आप लोगों को मेरा नॉलेज एंड एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो उसी को मैं देख रहा था, मैंने बाइसेल सिग्नल कम स्क्रीनर में मैंने दिखा रहा था कि इधर ये दोनों में आया था, तो उसको मैंने ऑप्शन चेन में आप लोगों को दिखा रहा था। तो ऑप्शन चेन में मैंने पार्ट वन में बोला था कि अगला वीडियो में मैंने बोला था कि इधर जो ऑप्शन चेन में जो ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है ये रेजिस्टेंस है और जो इधर पुट साइड में जो है ये सपोर्ट है। तो इसको देखिए, इधर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी पॉजिटिव है और प्राइस भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है इस इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। और इधर जो देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव है और प्राइस गिरा है, प्राइस नेगेटिव है, तो इसका मतलब इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। और इधर और भी है जब पॉजिटिव और जब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव आएगा उसके मतलब उस साइड में अनविंडिंग हो रहा है, वो कॉल अनविंडिंग भी हो सकता है, पुट अनविंडिंग भी हो सकता है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जब नेगेटिव आएगा तो कॉल अनविंडिंग के मतलब लॉन्ग लिक्विडेशन हो रहा है, नहीं तो शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, और भी पुट में साइड में भी ऐसा होता है। और इधर आईबी का एक ये जो देखिए ये आईबी ज़्यादा है, इधर आईबी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसमें ये स्टॉक टू स्टॉक डिपेंड करता है। इधर भी आईबी मतलब इम्पैक्ट वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इस मतलब इसका वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगा और अपर डाउन जाने का प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। और ये जो इधर जो देखिए पुट कॉल रेशियो, इधर ये टोटल पुट का है और ये टोटल कॉल का है, तो पीसीआर रेशियो जब 1 के ऊपर जाएगा तो मतलब स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन इसको पुट जब ज़्यादा होता है तो आप लोगों को लगेगा कि पुट ज़्यादा होगा तो प्राइस गिर सकता है, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्टरी एक थ्योरी है, इसको कॉन्ट्रा थ्योरी बोलता है। और ये जब एक सर्टेन लेवल के बाद सोच लीजिए, इधर शायद ऑलमोस्ट 0.30 पे आ जाएगा, तो इसको इधर से फिर ये रिवर्स करेगा, ऐसा होता है। तो इधर ऐसे ऑप्शन चेन में ऑप्शन चेन एनालिसिस किया जाता है। और जो इधर मैंने चार्ट में दिखाना चाहता हूँ, देखिए मैंने चार्ट सेट कर रखा था, सिंपल सा सिंपल सा सेटअप यूज़ करके आप लोग ऑप्शन में ट्रेड कर सकता है। इसको 5 मिनट रखे क्योंकि मैंने रेंको चार्ट लगाने जा रहा हूँ, इसको रेंको चार्ट लगाइए, इधर इधर एमएससीडी मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल और पैराबोलिक सर, बस सिंपल। बहुत सारा लोग आप लोगों को बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड दिखाएगा, इसको EMA 13 करना है बहुत सारा, लेकिन एक सिंपल स्ट्रेटजी अपनाने से आप लोगों को ऑप्शन चेन में ऑप्शन में ट्रेड करना बहुत सुविधा हो जाएगा। और इधर RSI भी लगा लीजिए, क्योंकि कुछ व्हिप्स आएगा तो वो व्हिप्स को रिमूव करना है, तो इसलिए RSI का ज़रूरत होता है। देखिए इधर थोड़ा सा, देखिए इधर व्हिप्स है, इधर थोड़ा सा व्हिप्स है, तो जब देखेंगे RSI, देखिए इधर जब व्हिप्स है RSI, देखिए इधर
50 के नीचे गया नहीं। तो इधर हम लोग